अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अपने भाई के घर। मेरे भाई ने दावत की थी तो हम जा रहे हैं। और आज मैंने प्लान किया कि आज ना रुक के आऊँगी वहाँ पर। तो वैसे तो पहले मैं जाती हूँ, मैं कभी रुकी नहीं भाइयों के घर। और अभी प्लान किया कि रात रुकूँगी और दूसरे भाई के घर अगले दिन जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है। और फबिया अबीरा को मैंने ना सिंपल से कपड़े पहनाए थे, ये मेरी अम्मी ने सिलाई की थी फ्रॉक इनकी, तो वो मैंने पहना दिए। क्योंकि जो दूसरे मैंने ईद के लिए लिए थे ना कपड़े, वो थोड़े से हैवी थे। और आज पूरा दिन लाइट नहीं आई, सुबह 12 बजे की वहाँ पर लाइट गई हुई थी तो रात 12 बजे वहाँ पर आई थी। तो इतना ज़्यादा तंग कर रही थी और एसी वगैरह कुछ भी ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो सिंपल से मैंने कपड़े बच्चों के पहनाए थे और देख सकते हैं। और अजलान को भी मैंने ऐसे ही पहनाए हैं। अजलान को तो वैसे भी इसकी निकर शर्ट ही होती है। और बस आज मैंने खुद पिंक कलर का ड्रेस पहना था, उसके साथ मल्टी कलर का दुपट्टा था और नेल पेंट मैंने लगा। और उसके बाद मैं सब बच्चों को देख रही थी। हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे तो बच्चे जो है ना, ये मेरी भाभी का छोटा वाला बेटा है और ये इसको भी नॉर्मल से कपड़े इसलिए पहनाए थे ताकि गर्मी थी इसलिए। और आरंभ में बोल रही थी अपना ड्रेस दिखाओ कैसा है। और बस आज जो हुआ था मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतनी मुझे हंसी आ रही थी। सब बोल रहे थे बाजी आपको जितनी गर्मी लगती है ना उतना ही आज ना आप जब आई हो तो लाइट नहीं है। और ये मेरे भाई की बेटी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं इसको बोल रही थी ना सीधी हो जाओ, मैं आपकी तस्वीर बनाऊँ या वीडियो बनाऊँ ना, तो ये उल्टी हो जाती थी, शर्म आ रही थी इसे। और ये मोहम्मद जहान है, बहुत प्यारा लग रहा था जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगती थी। स्माइल कर रहा है कितनी प्यारी। और बस अभी हम लोगों ने भाई की शादी की वीडियो लगाई हुई थी, मूवी जिसको बोलते हैं, और हम सब लोग देख रहे थे। मैं जब भी जाती हूँ तो हम लोग देखते हैं मिलके। और बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आता है। और फिर इसके बाद मैं ऊपर भाभी दूसरी बड़ी वाली भाभी के पास गई तो उसने बनाया हुआ था पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर चीज़ मेल्ट नहीं हुई सही से। और अभी उन्होंने मुझे बोला कि टेस्ट करें कैसा बना है, तो वैसे बना तो बहुत ज़्यादा मज़े का था और सही बना था माशाल्लाह से। तो वो मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, उसके बाद हम लोग फिर नीचे आ गए। यहाँ पर अजलान रो रहा था कि मम्मा मुझे सुला दो। और इसको अभी मैंने फीडर दिया तो अभी मैं इसे सुलाऊंगी। और साथ हम लोग लाइट चली, मतलब जब मैं गई थी तब लाइट थी तो फौरन चली गई थी। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे लाइट आए तो हम लोग मूवी लगाएं, रिमोट भी हाथ में पकड़ा हुआ है। और ऐसा कि वेट करते करते ना बस अजलान तो यहीं से हो गया था, यूपीएससी के घर लगा हुआ है। और हम लोग फिर छत पे चले गए, लाइट नहीं आई। रात 12 बजे लाइट आई थी, इतना ज़्यादा तंग किया था ना लाइट ने, बहुत तंग किया था मुझे वहाँ पर। और यहाँ पर अजलान सो चुका है तो शुक्र है कि उनके घर यूपीएस था तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ हमें। और छत पे वैसे हवा काफ़ी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग फिर आसानी से, मतलब तो मैंने भी आज प्लान किया, भाभियाँ मेरी बोल रही थी आपने जाना नहीं, अभी आपने जाना नहीं, हम बता रहे हैं हम लोग, आपने ही रुकना है रात, आप कसम डाल लो खुद को कि मैंने जाना नहीं है, फिर नहीं जाओगी आप। तो मैं बोल रही थी नहीं, मैं पक्का प्लान करके आई हूँ कि आज मैं रुकूंगी नहीं जाऊँगी। और अभी मैं इनकी वीडियो बना रही थी सबकी, तो मैंने इनको पैसे दिए थे सबको कि चीज़ लेके आओ, तो ये सब चीज़ लेके आए हैं। और दुकान से सिलंटके वगैरह लेके आए थे, बच्चे खा रहे हैं। और ये मेरी बड़ी भाभी की बेटी है और दोनों ये, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, और बहुत ही प्यारी लगती हैं छोटी छोटी सी। दोनों ने एक तरह के ड्रेस पहने हुए थे और मैंने सोचा इसको भी थोड़ा, इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। उसको तो मैंने दिखाया हुआ था, छोटे वाले भाई की बेटी को, तो ये वाले बड़े भाई की बेटी है। तो बस इनकी लड़ाई बहुत होती है आपस में। उसके बाद खाना लग गया था, खाना हम लोगों ने खाया और खाना भाभी ने बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाया था। और यहाँ पर बनाया था मटन कोरमा, मटन कढ़ाई थी, और यहाँ पर थी दही बड़े बनाए थे साथ में, बहुत ही मज़े का खाना था। और कस्टर्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था माशाल्लाह से, सब सारा खाना बहुत ही मज़े का बनाया था भाभी ने। और बस इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और ये हबीरा फबिया तो बिल्कुल मुंह नहीं लगा रही थी किसी चीज़ को भी, इतना इन पर मुझे गुस्सा आता है ना जब भी कहीं जाती है ना, किसी के घर भी मैं जाऊँ ना तो ये वहाँ जाके खाना नहीं खाती। और इनकी सेहत जो दिन ब दिन ना ख़राब ही होती जा रही है, इसलिए तो इतनी कमज़ोर हो गई हैं। घर में फिर भी खा लेती हैं खाना, कहीं जाके बिल्कुल भी नहीं मुंह लगाती। तो मैं इनको बोल रही थी थोड़ा सा कस्टर्ड ही खा लो, तो
बोल रही थी नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके मुंह में खुद ही डाल रही थी यहाँ पर कि थोड़ा सा खा लो, तो खाना भी नहीं इन्होंने खाया। फिर मैंने कस्टर्ड अपने हाथों से खिला रही थी इनको, साथ में अजलान भी बैठा हुआ है, अजलान को भी मैं थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। और अजलान जो है ना पानी मांग रहा था यहाँ पर, शीशे का ग्लास मुँह में ले रहा है कि मुझे पानी दो। और बस उसके बाद खाना वगैरह खा के फ्री हो गए। और यहाँ पर झूले वाला आ गया था बाहर, तो मैंने बच्चों को ना झूले दिलाए सारे बच्चों को। तो और यहाँ एक छोटा सा था कप, उसमें सारे तीन बच्चे मेरे बैठे हुए हैं उसमें, तो मैं बोल रही थी कि एक को निकाल दो। तो फिर भाई ने एक को निकाल के अजलान को निकाल दिया था, छोटी सी गाड़ी थी उसमें बिठा दिया। तो फर्स्ट टाइम अजलान बैठा है झूले में, तो माशाल्लाह से इतना खुश हो रहा था ये। हालांकि फ़र्स्ट टाइम बच्चे को बिठाओ ना तो डरता ही, तो ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, इतने सुकून से बैठा हुआ है बीच में। और आप देखें आगे आएगा अजलान तो देखना, बहुत खुश होकर बैठा हुआ था बीच में। तो यहाँ पर बच्चों का झूला जो एक चक्कर था ना वो कंप्लीट हो चुका था, तो अभी फिर बोल रहे थे कि हम लोगों ने फिर लेना है। मैंने बोला नहीं अब दूसरे बच्चे बैठेंगे, तो अभी भाइयों के बच्चों को बिठाया मैंने और साथ में अजलान फिर बैठा हुआ है। तो अभी अजलान को देखना कितने ऐसा सीरियस हुआ है ना, बिल्कुल भी मुँह सीधा करके बैठा हुआ है, बिल्कुल रो रहा था ना हंस रहा है, यहाँ पर इतना खुश हो के झूले ले रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर को बोला हुआ था वीडियो बनाओ, तो वो बना रही थी थोड़ा सा दरवाजे से बाहर होके। और अजलान को देखना एक चैट को मुँह करके इतना। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि व्लॉग तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं दो दिन रुकी हूँ वहाँ पर, तो मैंने काफ़ी वीडियो मतलब ज़्यादा व्लॉग है लंबा, तो मैंने आधी वीडियो अभी दूँगी, तो आधी मैं कल दूँगी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, तो फिर ऐसे मज़ा भी नहीं आता। और बस अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।